दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप हैदर अली को एक उभरता हुआ बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली और मोहम्मद हफीज की शानदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। आपको बता दो टॉस हारने के बाद पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदर अली और मोहम्मद हफीज़ की तूफानी बल्लेबाजी के चलते तीसरे T20 में एक बार फिर से टीम को 190 रनों तक पहुंचा दिया। फखर जमान और कप्तान बाबर आजम के जल्दी आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अपने पहले ही मैच में हैदर अली ने तो सभी को चौंका दिया। आपको बता दूं T20 क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैदर अली ने दूसरी ही गेंद पर मोइन अली को लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर अपने T20 करियर का आगाज किया। दूसरा विकेट 32 रन पर गिर जाने के बाद हैदर अली और मोहम्मद हफीज ने 100 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई। हैदर अली ने अपनी पारी के दरमियान 33 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए, जबकि दूसरे T20 में शानदार पारी खेलने वाले मोहम्मद हफीज ने इस बार भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। आपको बता दूं मोहम्मद हफीज ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्के और 4 चौके जड़ते हुए नाबाद 86 रन बना डाले। दोनों बल्लेबाजों की इस तूफानी बल्लेबाजी से पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 190 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको इंग्लैंड की टीम पूरा नहीं कर पाई और तीसरा T20 5 रन से हार गई।